आज इस वीडियो में हम गैफी और उसकी मम्मी को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। गैफी, क्या हुआ? आज इतनी उदास क्यों हो? माँ, मुझे स्कूल में टीचर ने हाथी और उसके दोस्तों की कहानी होमवर्क में पढ़ने के लिए कहा है और कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए भी कहा है, पर मुझे प्रश्न समझ में नहीं आ रहे। कोई बात नहीं गैफी, हम मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक हाथी एक जंगल में रहने गया। ये जंगल उसके लिए नया था। वह दोस्त बनाना चाहता था। वह सबसे पहले एक बंदर से मिला और उससे कहने लगा, नमस्ते बंदर भैया, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और उसने उससे वही सवाल पूछा, नमस्ते खरगोश भैया, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में घुसने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंढक के पास गया और वही सवाल पूछा, गैफी, तुम्हारा पहला प्रश्न है, हाथी ने मेंढक से क्या सवाल पूछा होगा, क्या तुम मुझे बता सकती हो? हाँ माँ, मैं जानती हूँ, हाथी ने कहा होगा, नमस्ते मेंढक भैया, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बिल्कुल सही। चलो अब आगे पढ़ते हैं कि कहानी में क्या हुआ। मेंढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंचा कूदने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी बहुत उदास था क्योंकि कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, हाथी ने किस किस से दोस्ती करने के लिए पूछा था? माँ, इस कहानी में हाथी ने बंदर, खरगोश और मेंढक से दोस्ती करने के लिए पूछा था। बिल्कुल सही। चलो कहानी आगे पढ़ें। फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में दौड़ता देख हाथी ने भालू से पूछा कि ये सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं। भालू ने कहा, जंगल का राजा शेर शिकार पर निकला है, वो सब खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये सुनकर हाथी शेर के पास गया और उसने सबको छोड़ने और परेशान न करने के लिए कहा। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आया और उसने शेर को सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग गया। अब तुम्हें क्या लगता है गैफी, कहानी में आगे क्या हुआ होगा? क्या अब सभी जानवर हाथी के दोस्त बनना चाहेंगे? बच्चों, आपको क्या लगता है? हाँ माँ, सब हाथी के दोस्त बनना चाहेंगे। बिल्कुल सही। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे खुश होकर बाहर आ गए और सबने हाथी के पास जाकर कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। तुम्हारा तीसरा प्रश्न है, हाथी का आकार कैसा था? क्या तुम्हें इसका उत्तर मिला गैफी? हाँ माँ, हाथी का आकार बहुत बड़ा था। बिल्कुल सही गैफी, शाबाश। बच्चों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? हाथी ने किसको धक्का देकर सबको बचाया? अगर आप हाथी की जगह होते तो क्या करते? आप अपने उत्तर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी की चर्चा की।